हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आई एम विश्वा। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक अलग टॉपिक लेके जिसका नाम है ओला स्कूटर। इसके लिए किसी को भी डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं मिली है। ओला स्कूटर अगर हमें परचेस करना है तो उसके लिए हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। तो ओला स्कूटर बुक करने के लिए ऑनलाइन ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। वेबसाइट में जाने के बाद हमें थोड़े से डिटेल्स फिलअप करने पड़ते हैं। डिटेल्स फिलअप करने के बाद हमें उसमें बुकिंग अमाउंट पे करनी पड़ती है। बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद कुछ प्रोसेस है, वापस से कुछ फॉर्म्स आते हैं, वो फिलअप करने के बाद हमारा बुकिंग कंफर्म हो जाता है। बुकिंग कंफर्म होने के बाद हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। 1 लाख या 1,20,000 के अराउंड ये स्कूटर आता है। उसके बाद हमें मिलती है ओला स्कूटर। अच्छी है, बुरी है, एक्सपीरियंस मैं शेयर करने नहीं आया हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ ओला स्कूटर बुकिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? तो अभी एक स्कैम चल रहा है। तो स्कैम सामने अभी नहीं आया, पर मे भी पॉसिबल है कि शॉर्ट टाइम में आ सकता है। ओला स्कूटर की बुकिंग के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक केस फाइल हो चुका है। अभी अभी दोस्तों एक हफ्ते पहले एक कंप्लेन आई है कि हमारे वडोदरा के एक बंदे ने ऑनलाइन ओला स्कूटर बुक कराया। उसने सबसे पहले यही जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो क्लियर की कि उसने फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद उसने बुकिंग अमाउंट पे की। बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद उसने 50,000, 50,000, 20,000 ऐसा करके उसने टोटल 1,20,000 उसने ऑनलाइन पे कर दिए। उसके बाद उसने वो नंबर पे कॉल किया जो नंबर दिया हुआ है ओला वेबसाइट के ऊपर। वो नंबर पे कॉल किया तो वहाँ से आंसर मिलता है कि आप और इतने पैसे और 20,000 और 30,000 रुपये आप पे कीजिए, उसके बाद हम आपका स्कूटर है जो हम आपको देंगे, आपका ऑर्डर हम रिलीज़ करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी ये फ्रॉड वेबसाइट बनाई हुई है, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई हुई है, वो लोग अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करते थे। अपने व्हाट्सअप नंबर के ऊपर से जो भी पार्टीज़ ने ओला स्कूटर ऑनलाइन बुक किया हुआ होता है उन लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करते थे और व्हाट्सअप के ऊपर उन लोगों के पास से पैसे की डिमांड करते थे। तो जो पार्टी थे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई हुई है उन लोगों को भी नॉलेज नहीं होता है कि ये फ्रॉड लोग है, इसलिए इन लोगों ने पैसे भी पे किए हुए होते हैं। वो पार्टी वापस से पैसे पे करता है, उसके बाद वो लोग स्कूटर उसको नहीं देते हैं। सेम ऐसा दोबारा होता है, वो पार्टी वापस से फ़ोन करती है, वहाँ से सामने वाला बंदा बोलता है कि आप अभी लास्ट में इतने पे कर दीजिए, आपका स्कूटर आपको मिल जाएगा। ऐसा वापस से सुनने के बाद फिर वो जो बंदा था उसको ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओला स्कूटर की प्राइस तो 1,20,000 अराउंड के आसपास ही है, तो फिर ये लोग तो मेरे पास से ऑलरेडी 1,30,000, 1,40,000 से क्यों वसूल कर रहे। और वहाँ पे जब वो कॉल करता था तब वो लोग फ़ोन के ऊपर ऐसा बोलते थे उसको कि आपको अगर आपका स्कूटर चाहिए तो आप इतने पैसे पे कीजिए, नहीं तो आपका स्कूटर आपको नहीं मिलेगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। बताइए दोस्तों, तब जाके वो बंदे ने एक एडवोकेट से मिला जो कि मेरा फ्रेंड था। उन्होंने सब सर्च की, फिर जाके पता चला कि ये एक स्कैम चल रहा है। फिर जाके मेरे एडवोकेट दोस्त ने जिसके साथ फ्रॉड हुआ था उसको ले जाके साइबर सेल में सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करवाई। साइबर सेल पुलिस स्टेशन में से ऐसा बताया गया कि ये फ्रॉड तो कई लोगों के साथ हुआ है, ये लोग जो है ऑलरेडी हैदराबाद साइड के या फिर और साइड से लोग एक्सेस कर रहे हैं, हम भी पता लगा रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा तो वो लोग सबके साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मैं बाजू में ये वीडियो लगा रहा हूँ, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये मैं गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन हुई है, ये बंदे ने कंप्लेन की है। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरा एडवोकेट फ्रेंड है जिसका नाम है हार्दिक राजपूत, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके सर्च करके ये उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, साइबर सेल कंप्लेंट फाइल की है। अभी आगे जाके इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जो लोग ऐसे स्कैम के शिकार हुए हैं, जिसके पैसे गए हैं, उन लोगों का पैसा वापस मिले, वैसा हम लोग ट्राई कर रहे हैं।
तो दोस्तों अगर इसके बारे में आपको भी कुछ भी नॉलेज हो तो आप प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो वेबसाइट है जिससे ओला स्कूटर ऑनलाइन बुकिंग होती है वो फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। एक्चुअली ये स्कैम किसी और लोगों ने किया हुआ है, किसी और लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट की फ्रॉड वेबसाइट, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाई हुई है, जिससे क्या होता है कि आप अगर सर्च करते हो गूगल के ऊपर के ओला स्कूटर बुकिंग तो एक लिंक ओपन होती है, सर्च हो जाएगा, आपको दिखेगा, पर वो लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगी वो फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर। अभी वो फ्रॉड वेबसाइट कौन सी है इसका पता लगा रहे हैं हम लोग, जैसे ही पता लगता है तो मैं आपको तुरंत ही आपको ये वीडियो के थ्रू में बता दूंगा। और उसके बाद क्या होता है कि वो फ्रॉड वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद सेम टू सेम वैसा ही वेबसाइट बना हुआ है जैसे कि अभी ओला का ओरिजिनल वेबसाइट है। हमने यहाँ पे साइबर सेल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दाखिल की है, अभी कंप्लेन पेंडिंग है, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। जो भी रिजल्ट आता है दोस्तों तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ओला स्कूटर लेने के लिए जो भी आप वेबसाइट के ऊपर जाए तो सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है या फेक वेबसाइट है। अभी ओरिजिनल है या फेक है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका कि ओला की एप्लीकेशन है, ओला की एप्लीकेशन में आप जाओगे तो उसके अंदर अलग से ओला इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर का एक ऑप्शन दिया हुआ ही है। वो ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको वो ऑप्शन ले जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा आपको ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओला स्कूटर बुकिंग की वेबसाइट के ऊपर। तब जाके आप सिक्योरली आप स्कूटर बुक कर पाओगे और कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।